हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 3 HP सिंगल फेज समरसिबल मोटर कितना पानी देती है। और दोस्तों यहाँ पर हम जो 3 मोटर है उनका जो पानी है वो टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हम पहले जो मोटर है उनका पानी देख लेते हैं। तो दोस्तों यह है पहली मोटर जिसका पानी आप देख सकते हैं। यह 2.5 इंची पाइप है, इसके अंदर आप इसका पानी देख सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमें दूसरे मोटर का जो पानी है वह देखते हैं। तो आप इसका भी पानी देख सकते हैं, यह भी 2.5 इंची पाइप है और इसके अंदर आप पानी इसका देख सकते हैं कि कितना पानी दे रही है। अब इसके बाद में दोस्तों जो तीसरी मोटर है तो उसका पानी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका भी जो पानी नज़र आ रहा होगा वो भी दोस्तों ये भी 2.5 इंची पाइप के अंदर ही जो इसका पानी है वह। तो जैसा है दोस्तों आपने जो तीनों मोटर है उसका पानी देखा, तो दोस्तों आपको जो पानी है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा क्योंकि तीनों मोटर है। तो तीनों मोटर का जो पानी है वो भी अलग अलग है, यानी कि 2.5 इंची पाइप के अंदर आपने तीनों मोटर का जो पानी है वह देखा, लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों जो पानी है वह एक जैसा नहीं लग रहा होगा क्योंकि एक मोटर ज़्यादा दे रही है, दूसरी कम दे रही है और तीसरी और भी कम दे रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं कि ये डिफरेंस है? तो दोस्तों अगर हम पहले वाले मोटर की बात करें तो इसमें दोस्तों जो पाइप है, मतलब कहने का मतलब जो दोस्तों इसमें 1200 फीट पाइपलाइन लगी हुई है उसके बाद में भी ये अच्छा पानी दे रही है। तो क्यों दे रही है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसको जो वोल्टेज है वह अच्छे मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो वाटर लेवल है वह 130 फीट पर है, तो तीनों मोटर लगभग 130 फीट के आसपास ही डली हुई है अभी। तो दोस्तों जो पहली मोटर है तो पहले मोटर में क्या है कि दोस्तों इसमें वोल्टेज की जो समस्या है वह नहीं है, यानी कि इसको 230 वोल्टेज इस टाइम मिले हुए हैं तो ये अच्छा पानी दे रही है। तो और दूसरी बात दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है वह 16 KVA का है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है और इस ट्रांसफार्मर पर कोई अन्य कनेक्शन भी नहीं है, इसलिए दोस्तों जो ये पहली मोटर है वह ज़्यादा पानी दे रही है। अब दूसरी जो मोटर है दोस्तों, तो दूसरी मोटर में जो पाइपलाइन अभी लगी हुई है वो लग मुश्किल से 200 फीट के आसपास इसमें पाइपलाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये उतना पानी नहीं दे रही है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो वोल्टेज है वो थोड़े कम है, यानी कि वोल्टेज की समस्या है, इसी वजह से ये जो मोटर है कम पानी दे रही है। यानी कि जो पहली वाली और दूसरी वाली जो मोटर है वह एक ही कंपनी की है और दोनों अच्छी कंपनी की है, लेकिन इनमें जो वोल्टेज है उनकी वजह से ये समस्या देखने को आपको मिल रही है कि पहली मोटर ज़्यादा दे रही है और दूसरी कम दे रही है। हालांकि दोस्तों इसमें एक और जो बात है वह है कि इसमें जो केबल है वो लगभग 800 फीट है, यानी कि 800 फीट है, तो वहाँ से जो केबल है तो केबल की वजह से इसमें पूरे वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं और इस ट्रांसफार्मर पर अन्य कनेक्शन भी है। और जो तीसरी मोटर है दोस्तों ये बिल्कुल लोकल ब्रांड है, यानी कि ये वोल्टेज के ऊपर ही काम करते हैं वोल्टेज। हालांकि जो दूसरी और तीसरी मोटर है वो एक ही ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो ये मोटर है ये लोकल ब्रांड है, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये देसी मोटर आप इसको बोल सकते हैं। तो इस वजह से इसमें जो वोल्टेज है तो जितने वोल्टेज होंगे उस हिसाब से ये मोटर पानी देगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो अभी दोनों जो दूसरी नंबर और तीसरी नंबर की मोटर है तो एक ही ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई है और दोनों जो बोर है वो भी आसपास है, लेकिन इनमें जो पानी है तो वह कंपनी की वजह से कि दोस्तों यहाँ पर ये अच्छी कंपनी की है दूसरी नंबर की और जो तीसरी नंबर की है तो वह भी देसी कंपनी की है, इस वजह से दोस्तों इनमें पानी का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि जो केबल है वो भी सेम है और ट्रांसफार्मर भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसमें समस्या देखने को मिल रही है। और अगर जो पहली मोटर है दोस्तों तो उसमें अगर कैपेसिटर की बात करें तो इसमें 7250 mAh का कैपेसिटर लगा हुआ है, और जो दोनों मोटर है दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की तो इसमें दोस्तों जो कैपेसिटर है वो 72 mAh के लगाए हुए हैं, लेकिन जो पानी है वो पहली मोटर ही ज़्यादा दे रही है। तो दोस्तों अगर आप सिंगल फेज 3 HP की मोटर ले रहे हैं तो अच्छी कंपनी की ले,
और इसके अलावा दोस्तों आपको जो वोल्टेज है वो अच्छे होनी चाहिए, कहने का मतलब दोस्तों 220 वोल्टेज से कम नहीं होनी चाहिए, तो आप 3 HP की मोटर ले। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।